जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ कुत्ते के भौंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। पांच लोगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। पनागढ़ थाना क्षेत्र के जलगांव ग्राम का यह पूरा मामला है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्म गौतम हमारे साथ जुड़ के। धर्म, बताया जा रहा है कि कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और एक युवक की हत्या कर दी गई? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं जिस तरह से ये पूरा मामला है। पनागढ़ थाना क्षेत्र के जलगांव गांव पे जो कि जो मृतक है रामवरण भूमिया, इनके घर इनके घर पे जो कुत्ता था, वह जो आरोपी पक्ष है जिन्होंने मारपीट की है, उनके निकलने के दौरान वहां पर घर के सामने भौंका था। और उसी बात को लेकर पहले जो आरोपी पक्ष है जिन्होंने रामवरण भूमिया के घर के सामने गाली गलौज की और उसके बाद घर चले गए, जिस पर कि रामवरण भूमिया उस समय घर पर नहीं था। उनके भतीजों ने जब बताया कि इस तरह का विवाद हुआ कुत्ते को लेकर, तो वह आरोपियों के घर पर बातचीत करने गए थे कि आखिर क्यों इस तरह से कुत्ते की भौंकने की छोटी सी बात है, उसको लेकर इस तरह गाली गलौज नहीं करना था। जिस पर जो आरोपी पक्ष है सचिन यादव, राजकुमार यादव, अरुण यादव, इन्होंने मारपीट कर दी और उसके बाद इतनी ज्यादा मारपीट दोनों पक्षों में हुई कि लाठी डंडों से मारकर रामवरण भूमिया को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।